पहले पिलाई शराब, फिर सीने में ठोक दी ताबड़तोड़ गोलियां। सब्जी मंडी के पीछे खून से लथपथ मिला बैंड संचालक का शव। दरअसल अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के कस्बे अलीगढ़ मथुरा रोड पर स्थित चामड़ के समीप बैंड संचालन करने वाले विश्वनाथ उर्फ बीपी पुत्र इंद्रपाल देर रात परिवार में अनबन होने के बाद गायब हो गया। परिजनों के द्वारा जब तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला तो युवक के परिजनों को सुबह सूचना मिली कि उनके बेटे का शव सब्जी मंडी के पीछे खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युवक को शराब पिलाई गई, फिर ताबड़तोड़ गोली सीने में दाग कर युवक की हत्या को अंजाम दिया गया है। युवक के शव पर गोलियों के आर पार निशान साफ नजर आ रहे थे। साथ ही उसके शव के पास से बियर की केन, गिलास, नमकीन के खाली पाउच और एक बैग पड़ा मिला है। पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सुबह कस्बे में स्थित मंडी के पीछे एक शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान विश्वनाथ उर्फ बीपी पुत्र इंद्रपाल के रूप में हुई है। मृतक कस्बे के अलीगढ़ रोड का निवासी था और बैंड संचालन का काम करता था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा करने का क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान ने दावा किया है। आज प्रातः लगभग 7:30 बजे इस बॉडी मिली थाना इगलास क्षेत्र में। जांच करने पाया कि विश्वनाथ नाम के व्यक्ति की है और जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, पता पड़ा है किसने मर्डर किया है, किस तरह से मर्डर किया? प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों ने लगभग यहाँ पर साथ में बैठ के कुछ खाया पिया है, बियर की कुछ कैन भी साथ हुए, और जिस हिसाब से प्रतीत हो रहा है लग रहा है कि हाँ कुछ साथी यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने कुछ ऐसा काम करने का संज्ञान हो रहा है। सर, क्या गोली मार के मर्डर किया गया है? सर, किस वजह से गोली लगी है युवक को, और जांच करके इसमें ज्ञात होगा और उसी के अनुसार ही आवश्यक वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।